हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मैं एक रास्ते में हूँ, कोरापुट से जयपुर जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये नज़ारा, हम लोग देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। तो आज हम लोग एक्चुअली में डिस्कस करेंगे, मैं अपनी डोमिनर जब लिया था तो उस टाइम से, उससे पहले मैं कुछ कुछ जैसे कि 6 बाइक को मतलब शॉर्टलिस्टेड किया था। ठीक है, 6 बाइक को शॉर्टलिस्टेड किया था, क्योंकि हर कोई बाइक मतलब डायरेक्टली जाके खरीदता नहीं है। तो पहले लिस्ट आउट करता है कि कौन सा कंपनी का सही है, कितना बजट है उसके हिसाब से। तो मैंने भी अपने हिसाब से 6 कंपनी का बाइक को शॉर्टलिस्ट आउट किया था। वो सब चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है, 6 कंपनी का नाम मैं बता रहा हूँ। पहला था BMW, सेकेंड वन कावासाकी, थर्ड वन KTM, फोर्थ वन सुजुकी, 51 रॉयल एनफील्ड, 61 ऑब्वियसली बजाज। तो हर एक कंपनी का एक एक मतलब मेरे बजट के हिसाब से एक एक बाइक था, पर उसमें कुछ खामियां थी या मेरा बजट मतलब उतना नहीं था, तो उसके हिसाब से मैं एफोर्ड नहीं कर पाया वो सब चीज़ों को, उस सब बाइक को। ठीक है, तो पहला देखते हैं BMW का। BMW का आ रहा था हम लोग का बजट में GS 310। There's a certain sensation about riding a motorcycle that I find quite synergistic with a lot of other things that I do. It's almost as though when I'm on a bike or even on a surfboard, like I see the lines in front of me, and one thing links into the next. It's just me and whatever's around me. वो बहुत ही अच्छा बाइक है, पर बजट के हिसाब से 310 cc में आप 3.5 लाख पे कर रहे हो। और हाँ, BMW का बाइक के मानता हूँ, पर फिर भी एक इंडियन के हिसाब से आप सोचेंगे तो मतलब जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि एक अच्छा प्राइस में हम लोग को एक अच्छा बाइक मिल जाए, तो वो प्रॉब्लम था। बाइक तो बहुत ही अच्छा था। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है मतलब उस बजट उस रेंज में आप चाहते हो, वो बाइक एक्चुअली में ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही सही है। GS 310 बहुत ही सही बाइक है, पर एक्चुअली क्या चीज़ है ना, मैं कभी कभी मतलब गांव जाता हूँ शहर जाता हूँ, तो क्या होता है अगर सपोज़ कुछ हो गया बाइक को तो उसका पार्ट्स मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि BMW हर हर जगह में नहीं रहता है। वो मेनली सिलेक्टेड सिटी जैसे कि ओडिशा के कैपिटल भुवनेश्वर में है, और किसी जगह में BMW का शोरूम भी नहीं है, आई थिंक आई गेस। तो ठीक है, तो उसको मैंने मतलब फिल्टर आउट कर दिया, तो वो लिस्ट में नहीं था। तो उसके बाद आया कावासाकी। तो कावासाकी का आ रहा था हम लोग का कावासाकी निंजा 300। You'll feel it before you're even on it. The rush is like pure, electrifying euphoria. It floods your senses with pleasure. Once it's in you, it has the power to change you. Nothing matters but the next ride, the next rush. Always wanting more, but it's never enough. This is more than desire, beyond obsession. This is your world, forever altered. था Ninja 300। तो वो एक्चुअली में बजट के हिसाब से था। भुवनेश्वर शोरूम गया था, कावासाकी शोरूम गया था, पर वहाँ पे क्या हुआ कि उन लोगों के पास बाइक अवेलेबल नहीं था, और 2019 मॉडल का जो भी बाइक था वो सोल्ड आउट हो चुका था, और उन लोगों के बजट मतलब उन लोगों के पास नहीं था। तो वही एक प्रॉब्लम था कि मतलब वही उसको फाइनलाइज ऑलमोस्ट कर दिया था, क्योंकि वो ट्विन सिलेंडर का था और बहुत ही स्मूथ इंजन है, और कावासाकी ऑब्वियसली जापानीज मॉडल, बुरा नो से अबाउट इट। तो वही प्रॉब्लम था, तो उसके बाद आया वो भी वैसे ही फिल्टर आउट हो गया। तो सुजुकी का 250 cc का एक गाड़ी है, ब्रांड न्यू जिक्सा 250। तो वो मुझे अच्छा लगा था, पर उसका वो गाड़ी सिटी राइड के लिए सही है, पर लॉन्ग ड्राइव के लिए थोड़ा स्पोर्टी लुक है, तो मुझे थोड़ा स्पोर्टी वाला नहीं चाहिए था, मतलब लिफ्ट से आउट कर दिया। तो उसके बाद आता है हम लोग का KTM में क्या हुआ था। KTM में मैं
फाइनलाइज किया था 390 KTM 390। Life is like a motorcycle. Anyone can take it to the limit down a wide open freeway, but what exactly does that prove? Keeping it flat out in top gear when everything is laid out before you and the going is easy. This takes no real skill or courage. But how you handle the unexpected twists and turns on your journey, this shows what you're really made of. So for me, when life throws a kink in my path, I simply tap down a gear, lean it hard, and always make sure I nail the apex. तो उसमें मैं थोड़ा रिव्यू देखा पर वो एक्चुअली में थोड़ा कुछ ज्यादा ही पावर है और बाइक थोड़ा हल्का है मुझे थोड़ा एक्चुअली में क्या कहते हैं थोड़ा वेट वाला बाइक चाहिए था जो कि अगर आप हाईवे पर चलाते हो तो आप बाइक जर्क ना करें। सपोज आप हाईवे में चला रहे हो साइड से ट्रक बहुत ही स्पीड में चले जाए तो आप पूरा हिल जाओगे तो वो वाला फीलिंग मुझे नहीं चाहिए था तो इसलिए मैं उसको मतलब ये किया और कुछ कुछ बोलते थे कि इसमें थोड़ा हीटिंग इश्यूज है तो वो बहुत सारा चीज़ था तो मैंने उसको मतलब लिस्ट आउट कर दिया। उसके बाद आया दो बाइक बचा अभी रॉयल एनफील्ड और बजाज के बारे में जो कि पहला है रॉयल एनफील्ड का हिमालयन 410cc। Journeys are not great or small, they just are. Mrs. Lyman calling the British Mount Everest expedition. Explorers were not born heroes, they were just curious. The earth awaits you. Answer it. The sun will light your path. Follow it. The valleys will not stay quiet, and even time will not stand still. Sometimes the first step is the final frontier. Don't turn around. The mountains call us all. The only difference is what we say back. आप देखेंगे तो हिमालयन का 410cc और उसका वेट थोड़ा ज़्यादा था और मेरा मतलब हाइट 5.7 है तो हाइट के हिसाब से देखेंगे तो हिमालयन थोड़ा ज़्यादा बड़ा था और वेट के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा था 190 और 200 kg कम से 200 kg था उसका वेट तो उसके हिसाब से मैंने रॉयल एनफील्ड को मतलब चूज़ नहीं किया तो इसमें से मैं सिलेक्ट किया बजाज डोमिनर। क्यों Three bikers decided to take Indian motorcycling to the next level on an expedition
that had never been attempted on an Indian motorcycle before. The Trans-Siberian Odyssey, world's toughest journey. This hyperride was filled with treacherous terrains, from snow, clay, sand, mud, to bones. And after 53 days and over 15,600 kilometers, with no part changes or breakdowns, Dilip, Sudhir, Deepak created history on the Dominar. The Dominar has done what no Indian bike has ever accomplished, changing the face of Indian motorcycling forever. उसके बाद डोमिनर आया, तो डोमिनर का ये खासियत है कि मतलब थोड़ा वजन भी सही है, पावर क्रूजिंग कर सकते हैं आप लोग और हाइबर रनिंग भी कर सकते हैं। और अब देखे होंगे यूट्यूब में मतलब बहुत ही मतलब इवन कंपनी अपना बाजाज ही मतलब स्पॉन्सर करता है कि आप मतलब एक देश से मतलब देखे होंगे वो ओडेसी एशियन कंट्रीज ओडेसी बाय स्पॉन्सर बाय XGST, तो वो वाला मतलब देख के मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ और फाइनली मैं सिलेक्ट कर दिया बाजाज डोमिनर। आपके पास मतलब कोई प्रॉब्लम, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, आप कोई भी मतलब 300, 400, 500 जो भी बाइक लेना सब चाहते हैं ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, तो ठीक है चलते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, लिखिए, ठीक है, बाय बाय।